दिन चार रातें बोर के जलस्तर में वृद्धि, गड्ढा खोदने से लेकर टनल बनाने तक पग पग पर बड़ी बड़ी चट्टान, इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए रेस्क्यू टीम ने आखिरकार राहुल को 104 घंटे 56 मिनट तक चले ऑपरेशन के बाद बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है। बच्चे के बाहर निकलते ही उसे अपोलो अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया। शुक्रवार 10 जून को मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पेरीत निवासी राम कुमार उर्फ लाला राम साहू का 10 साल का बेटा राहुल अचानक बाड़ी के बोर में दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास गिर गया। शाम 5 बजे से ही राहुल को बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ और 5 दिन 4 रात मिलाकर 104 घंटे 56 मिनट बाद ऑपरेशन सफल हुआ। रात 11:56 पर राहुल को सुरंग के माध्यम से बोर से निकाला गया। इन 5 दिनों में बालक ने गजब के साहस का परिचय दिया। अंधेरा, कीचड़नुमा और नमी युक्त वातावरण में उसने केला खाकर और फ्रूटी पीकर 12 इंच के सकरे बोर में अपना समय काटा। सुनने और बोलने में अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर इस बालक ने जो हौसला दिखाया है वो सबके बस की बात नहीं। इसकी इसी इच्छा शक्ति ने उसे सुरक्षित रखा और रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। 5 दिनों तक चले ऑपरेशन में जिला प्रशासन, पुलिस, NDRF, SDRF और सेना के जवान भी जी जान से जुटे रहे। इस ऑपरेशन में ग्रामीणों की भी भूमिका रही। उन्होंने भी यथासंभव प्रशासन की मदद की। जहां पहले दिन से ही गड्ढा खुदाई का काम शुरू हो गया था, जिस दिन राहुल गड्ढे में गिरा था उसके दूसरे दिन शनिवार से उसे केला, फ्रूटी और सेब दिया गया था। सोमवार की शाम उसने आखिरी बार गड्ढे में केला खाया और फ्रूटी पी, जबकि मंगलवार को दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। रविवार को उसने छिलका भी डिब्बे में डालकर ऊपर भेजा और बोर का पानी भी खाली करने में मदद की थी। ऑपरेशन राहुल के दौरान कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला और SP विजय अग्रवाल की भूमिका अहम रही। लगातार मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल अधिकारियों के फोन में उन्हें हालचाल अवगत कराने के साथ साथ ऑपरेशन राहुल के संचालन में आवश्यक मशीनों के मंगाने, व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। कैंप में कुछ पल आराम करने के बाद फिर से वो काम में लग जाते। टीम के लोगों को दिशा निर्देश देना, विशेषज्ञों से चर्चा कर ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में इन्होंने खूब मेहनत की। इस दौरान तेज धूप और 45 डिग्री तापमान के चलते SP विजय अग्रवाल की तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने मोर्चा संभाले रखा और लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देश देते रहे। दबल